अब पूछेंगे हम भी क्या क्या पढ़े हैं क्या क्या नहीं पढ़े हैं सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव यस्टरडे लेट मी नो। बताओ बेटा क्या कल हम लोगों ने पढ़ा, बताओ एक बार। मैम जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे प्ले वो पढ़े थे, और जो के बारे में पढ़ रहे थे। वेरी गुड। ठीक, तो हम लोगों ने रिच पीजेंट्स के लिए क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द रिच पीजेंट, हाउ दे पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। वो चाहते थे ना कि मतलब जित हाई रेंट जो लग रहा था ना वो मतलब हट जाए, ना लिया जाए उन लोगों से, लेस कर दिया जाए उसे ना। उन लोगों का मतलब ना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो उसको भी मतलब थोड़ा गुड्स प्रोडक्ट्स में बिके ऐसा। अच्छा, और वो मेन चाहते थे, तुम्हें दो लाइन बोला गया था अंडरलाइन करने के लिए कि इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटी लाइक द पाटीदार्स गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि फॉर देम, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर देम, तो यहाँ भी अंडरलाइन कराया गया था, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। क्या था उनके लिए, स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. ये दिया गया, वो disappointed हो गए जब उसको revise नहीं किया गया। मतलब वो चाहते क्या थे, तो वो चाहते थे कि इस जो ये है government के द्वारा जो लगान लगाया गया है वो बहुत मुश्किल से उसको pay कर पा रहे थे। They found it impossible to pay the government's revenue demand. And the refusal of the government to reduce the revenue demand. तो इसके लिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे the rich peasants चाहते थे कि reduce कर दिया जाए, है ना, वो चाहते थे कि उनके जो revenues हैं उनको कम कर दिया जाए। But what was the desire of the poor peasants, landless peasants, उनका क्या desire था, जो अनपेड रेंट है जिसको अभी तक वो पे नहीं कर पाए हैं उसको कुल मिला करके ही माफ कर दिया जाए, रिमिटेड कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि उसको दे सके। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड फर्दर। What we have to study about today? Today we have to study about the business class. अभी तक तो हम लोगों ने गांवों को देखा, जो गरीब किसान थे जो अमीर किसान थे उनकी क्या रुचि थी, वो क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे, और उनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था, What does स्वराज mean for them? Here we have to see about the business class. जो लोग व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग, वो क्या चाहते थे, उन्होंने स्वराज को किस रूप में देखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बन करके आते हैं जिसे आपको लिखना है। ठीक है, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिजनेस क्लास के बारे में हम क्या जानते हैं या उनका क्या हाल था, चलिए देखा जाए। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने अपने आप को कैसे जोड़ा, उनके लिए क्या अर्थ था स्वराज का। During the First World War, Indian merchants and industrialists had made large profit and become powerful. क्या कहा जा रहा है, जो Indian merchants थे और industrialists थे, दिया बेटा mute कर लो, fan की आवाज आ रही है तुम्हारे, yes, okay. तो ये जो है Indian merchants और industrialists, ये काफी मुनाफा कमा लिए थे First World War के समय। कैसे मुनाफा कमाए थे, क्योंकि उस समय तो
ब्रिटिश जो थे वो केवल युद्ध में लगे हुए थे, दे वेर बिजी इन द वॉर, देयरफॉर दे गेट चांस टू मेक लार्ज प्रॉफिट्स, देयरफॉर एट दैट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल. अब काफी उनका मुनाफा हुआ और एकदम शक्तिशाली बन गए. कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे प्रगति सिंह, कौन तुम्हारे मोबाइल को यूज कर रहा है बेटा? Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. अब जब उन्हें ये खत्म हो गया, क्या चीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ओवर हो गया, अब तो इंग्लैंड से भी गुड्स आने लगेंगे, हमारे यहाँ बिकने लगेंगे, तो फिर हमारे पास जो भी गुड्स है वो नहीं बिक पाएंगे, वही दिक्कत होगी. तो इसके लिए ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारा व्यापार और बढ़ता रहे. Keen on expanding their business, they now react against colonial policies. अब वो जो भी colonial policies थी, colonies की नीतियां जो थी, trade monopoly की, कि हम ही व्यापार करेंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही खरीदेंगे, ये सारी चीजें जो थी, ये चाहते थे कि इसको बंद कर दिया जाए. इसीलिए they now reacted against colonial policies and restricted business activities. और वो चाहते थे कि जो भी चीजें हमारे व्यापार में अड़ंगा लगा रही हैं, किसी भी तरीके से हमें प्रतिबंध लगा रही, हमारे खरीद बिक्री में, खरीद फरोख्त में, कृष्णा क्या हो जाता है जी, रह रहे के तुमको दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कोलोनियल पॉलिसीज एंड रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रूपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज. इसको अंडरलाइन करो बेटा, क्या चाहते थे, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशों से सामान आ जाते थे हमारे देश में, इंपोर्ट कर लिया जाता था और वही सामान को यहाँ बेचा जाता था फॉरेन गुड्स को, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वो लेके चले जाते थे ब्रिटिश और अपने यहाँ से ही गुड्स तैयार करके यहाँ सेल करते थे. तो हमारे यहाँ जो भी क्राफ्ट पर्सन थे उनको काफी लॉस होता था, क्योंकि इनके जो हाथ से बने हुए सामान थे वो काफी महंगे हो जाते थे मिल के बने हुए सामान के कंपेयर में. तो ऐसे कंडीशन में ये चाहते थे कि जो गुड्स वहां से आ रहे हैं, यानी इंग्लैंड से जो सामान आ रहा है, उन पर रोक लगा दी जाए, और इन्हें यदि वो भी आ रहे हैं तो इन्हें भी रूपी स्टर्लिन में चेंज कर दिया जाए, यानी कि उनका भी जो इंपोर्ट टैक्स लगा करके उसे महंगा कर दिया जाए, हम लोगों के लेवल का हो जाए, ताकि हमें वो स्टिफ कॉम्पिटिशन को फेस ना करना पड़े. तो इसीलिए वो चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, दूसरी चीज, एंड ए रूपी स्टर्लिन फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स, ताकि यदि वो मूल्य सबके एक समान हो जाएंगे तो कोई बाहर का सामान क्यों खरीदेगा, अपने देश में बने हुए सामान हम खरीदेंगे. तो इससे हम लोगों को उस तरह के कंपटीशन से थोड़ा सा रियायत मिल जाएगा, इसलिए ये चाहते थे कि डिस्करेज इंपोर्ट्स. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, अंडरलाइन करो बेटा, यहाँ पे उस समय बिजनेस इंटरेस्ट को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए इन लोगों ने फिक्की की स्थापना की थी. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, अभी तक है, इस वजह से यहाँ पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको जानना भी चाहिए इकोनॉमिक्स के व्यू से भी और तुम्हारा सोशल मैंने हिस्ट्री के भी व्यू से. तो इसको भी देखो, अंडरलाइन करो. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस. पहले क्या बनाया गया, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस IICC, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया इन 1920 में, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था उसी समय बनाया थे ये लोग. एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की इन 1927. ये फिक्की वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए अंडरलाइन कर लो कि कब इसको बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, कौन इसके लीडर्स थे. लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला. कौन इसके प्रोमिनेंट लीडर थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला. द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी. जो भी कॉलोनियल कंट्रोल था इंडियन इकोनॉमी पे, उस पर इन लोगों ने प्रहार किया. एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इन लोगों ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस सपोर्ट किया. हाँ बेटा बोलो. मैम
1920 में तो बना था और 1927 में खत्म हो गया है। नहीं, 1920 में दूसरा पार्ट, दूसरी एक संस्था बनी थी जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, वो अलग है, और फिक्की जो है ये बनी है 1927 में। इसको बनाने वाले मुख्य लोग जो थे, अच्छा। उसमें थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते थे कि जो कोलोनियल कंट्रोल है इंडियन इकोनॉमी पे, तुम लोग अब पढ़ोगे उसको द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि जितने भी यहाँ पर जो भी व्यक्ति किसी भी तरह का या फैक्ट्री स्टार्ट करना पड़े या करना चाहे या बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो इसमें चूंकि कोलोनियल रूल चल रहा था तो उनसे परमिशन लेके ही करना पड़ता था। तो फैक्ट्रीज जितनी रहती थी तो उसके लिए सब यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज रहती थी। यशदीप सिंह, तो इन सारे लोगों को ऐसा लगता था कि यदि ये हावी रहे, ब्रिटिश यदि हमारे ऊपर हावी रहेंगे तो हम कभी भी अपने व्यापार में मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, इसीलिए इसको कंट्रोल किया जाए, कोलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी जो चल रहा है उसको रोका जाए। और इसीलिए उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, जब ये पहले बार लॉन्च किया गया था तो इन लोगों ने भी सोचा कि हम लोगों का भी भला होगा, हमारी भी फायदा मुनाफे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कोलोनियल कंट्रोल हो जाएगा खत्म हमारे व्यापार पर से, तो हमारा अपना नजरिया शुरू हो जाएगा, हम अपने तौर तरीके से बिजनेस करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने पहली बार तो बड़ा मन से साथ दिया, लेकिन फिर जब दोबारा स्टार्ट किया गया तो इनको भी लगने लगा कि अरे बिना किसी डिसीजन के उसको रोक दिया गया, क्या किया जाए। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। उन लोगों ने उस समय जब फर्स्ट लॉन्च किया गया था तो कैसे मदद किए थे इस मूवमेंट को, फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे रुपए से भी मदद किया था इन लोगों ने फाइनेंस करके, एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स, और विदेशी चीजों को खरीदना और बेचना ये मना कर दिए थे। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कोलोनियल रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लॉरिश विदाउट कंस्ट्रेंट। अब देखो बिजनेसमैन क्या, बिजनेसमैन क्या चाहते थे, अब यहाँ पे अंडरलाइन करो बेटा, ये क्या चाहते थे कि स्वराज जब आएगा तो ये ऐसा समय होगा जब कोलोनियल, आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास आवाज नहीं जा रहा है, बाकी सबके पास जा रहा है, आवाज हाँ वो डिस्टर्ब कर रहा है भाई, वो हमको समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, नहीं तो तुरंत आ जाता है कि नेटवर्क अनस्टेबल, एकदम एवरीथिंग अनस्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव कर दें, म्यूट करके पढ़ाइए लास्ट, नो मैम म्यूट कर दीजिए सब, आवाज ही नहीं आ रहा है के डिस्टर्ब, अरे म्यूट किस लिए करें, म्यूट कर देंगे तो फिर तुम लोगों को पूछने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं अगर म्यूट कर लास्ट में पूछ लेंगे तो 5 मिनट बाद ही खोल दीजिएगा मैं। हां बेटा खोलेंगे मेरी बच्ची, या अब इन लोगों को लगने लगा कि जो भी बिजनेसमैन हैं उन लोगों ने स्वराज को किस रूप में देखा कि as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint, bina kisi pratibandh ke, kisi pratibandh ko hame manna nahi padega, without any constraint hum aasani se apne vyapar ko kar sakte hain, yadi swaraj aa jayega to hamara raj hoga, hum apne tarike se apne vastuon ko bechenge kharidenge aur kisi bhi tarike ka colonial restriction nahi hoga। तो इस चीज को वो पसंद कर रहे थे और इसी वजह से इन लोगों ने बहुत मन से फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था तो उन लोगों ने सपोर्ट किया था। बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियस्टिक। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ये लोग चले गए और कोई रिजल्ट आया नहीं तो फिर बिजनेस ग्रुप्स को कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था कि क्या फायदा है, मूवमेंट भी कर रहे हैं हम लोग अपने तरफ से पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं और विदाउट एनी रिजल्ट इस मूवमेंट को भी एकदम विथड्रॉ कर लिया जा रहा है। दे वेर एप्रिहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, वो बड़ा चिंतित हो रहे थे,
व्हाई दे वर एप्रिहेंसिव, क्यों चिंतित हो रहे थे? क्योंकि मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही थी, मिलिटेंट मतलब कहीं ना कहीं विद्रोह हो जा रहा था और इन्हें डर लग रहा था, एंड वरिड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस. और उन्हें डर लग रहा था, उस समय रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हो गया था, तो इन्हें डर लग रहा था कि कहीं हमारे यहाँ भी सोशलिज्म की भावना जैसे जो युवा नेता थे उनके मन में बढ़ती जा रही थी. तो इनको लग रहा था कि मान लो हमारे यहाँ भी सोशलिज्म को यदि ये सब लागू करते हैं तो हमारे सारे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, फिर हमारे बिजनेस, हमारे इंडस्ट्री सब हमारे बस में नहीं रह जाएंगे, अब इसमें से सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट कम हो जाएंगे, हमारा शेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा. तो इस वजह से उन्हें बड़ा चिंता था कि भला सपोर्ट तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोशलिस्ट के तरीके से ये सब भी जो कह रहा है कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी उससे भी इनको डर था कि कहीं हमें भी लूटपाट के सब बर्बाद ना कर दे. तो यहाँ पे इनके मन में भी भय था. शुरू में तो बड़ा अच्छे से इन लोगों ने समर्थन किया क्योंकि इनको लग रहा था कि यदि हम लोग मूवमेंट में सफल हो जाएंगे तो हमारे पूरे बिजनेस हमारे हाथों में रहेंगे, जो ब्रिटिश का यहाँ पे नियंत्रण है वो खत्म हो जाएगा. लेकिन धीरे धीरे आने वाले वर्षों में जैसे जैसे कुछ लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, मजदूरों ने अपनी डिमांड करनी शुरू की, जो बिजनेसमैन थे उनके साथ ये सोशलिस्ट की जब बातें होती थी तो जब ये लोग चर्चा करते थे रशियन रेवोल्यूशन की, तो इन लोगों को लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या किया जाए, कैसे काम लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे नेता जो कि जो युवा नेता थे वो सोशलिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे. तो अब ये तो बिजनेसमैन का बात था, कैसे बिजनेसमैन लोगों ने इस मूवमेंट को देखा, व्हाट वॉज द आइडिया ऑफ स्वराज फॉर देम. नाउ लेट अस सी What was the condition of the working class? जो मजदूर थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जो काम करके ही अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए स्वराज क्या था? The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large numbers. जो industrial working class थी, जो उद्योग धंधे में मजदूरी करते थे, उद्योगों में औद्योगिक क्षेत्र जो थे, जहां औद्योगिक केंद्र थे, कल कारखाने थे, वहां जो मजदूर का काम करते थे, वो सिविल डिसोबीडियंस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए. डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन. लेकिन नागपुर रीजन में जो लोग थे मजदूर, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था. नागपुर रीजन को छोड़ करके बाकी पूरे देश में इनका कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं रहा. As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. जैसे जैसे industrialists Congress के करीब आते गए, देखो जब अमीर लोग आएंगे तो गरीब वहां से भाग जाएंगे, जब जमींदार आएंगे तो छोटे किसान वहां से हट जाएंगे, तो वही हाल यहाँ भी है. जैसे जैसे जो उद्योगपति थे, industrialists थे, ये Congress में नजदीकियां बढ़ाने लगे, वैसे वैसे जो workers थे वो इनसे दूरियां बनाने लगे. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program. Lekin, kuch workers aise the ki un logon ne civil disobedience movement mein apna sahyog diya, kyunki unko Gandhian program ka saath nibhana tha. Gandhi ji ke saath the, aur Gandhi ji ke kisi bhi tarah ke karyakram mein, kisi bhi tarah ke jo unka maksad hota tha, usko saath dene ke liye unke saath जुड़े रहने के लिए अपना योगदान देते थे. तो बहुत सारे मजदूर भी साथ में आए क्योंकि वो चाहते थे कि गांधी जी के जो प्रोग्राम्स है उसमें भी हमारे सहयोग बने रहे. लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, कैसे साथ देते थे ये मजदूर, हाउ द वर्कर्स सपोर्टेड दिस मूवमेंट. तो ये क्या करते थे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी चीजों का बहिष्कार करते थे एज पार्ट ऑफ देयर ओन movements against low wages and poor working condition. और साथ साथ अपने poor working condition के लिए भी और जो इन लोगों को poor wages मिलता था उसके लिए भी आवाज उठाते रहे, उसको भी साथ साथ लेकर के चलते रहे. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers. Dock workers मतलब जो पानी वाले जहाज जहां बनते हैं ना, वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनको dock workers कहते हैं. तो यहाँ पे डॉक वर्कर्स के द्वारा, रेलवे वर्कर्स के द्वारा भी कई बार स्ट्राइक्स की गई. कब? 1932 में और 1930 में. इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस और गांधीयन कैंप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स. और
हजारों की संख्या में जो छोटा नागपुर टिन माइन है वहां पर गांधी टोपी पहन करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, रैली में हिस्सा लिया और जो भी कंपेन्स थी उसको भी इन लोगों ने बॉयकॉट किया। बट द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। बेटा जैसे तुम लोगों ने देखा कि पिछले वाले टॉपिक में जैसे किसानों को हम लोग पढ़ रहे थे, तो जब छोटे किसान जो लैंडलेस थे या जो टीनेंट थे उन लोगों ने जब ये कहा कि हमारी लगान एकदम माफ कर दी जाए, द रेवेन्यू मस्ट बी रिमिटेड बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, तो कांग्रेस इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तुम लोगों को बताए थे, इसी तरह तुम लोगों को बताया गया था कि यदि वो सब लोग लगान ही माफ कर देती तो जो जमींदार के तहत जमींदारों के द्वारा जो इन्हें सपोर्ट मिलता था, जो अमाउंट मिलता था, जो फाइनेंशियल एड मिलता था, वो कैसे मिलता। तो इसीलिए लगान को पूर्ण रूप से माफ करने के फेवर में कांग्रेस नहीं थी। सेम वही हाल यहाँ पर भी है। जब मजदूरों ने क्या किया, जब मजदूर यहाँ पर आए और इन लोगों ने भी डिमांड किया कि हमारे भी तनख्वाह बढ़ा दिए जाएं, वर्किंग कंडीशंस हमारे सुधार दिए जाएं, और कांग्रेस का साथ निभाया, तो फिर यहाँ देखो, बट द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस की इच्छा नहीं थी, रिलेक्टेंट मन नहीं कर रहा था उनका कि वर्कर्स को भी हम ले लें और उनकी मांगों को भी इसमें हम सम्मिलित कर दें, कि ये भी एक संघर्ष का मुद्दा रहेगा, प्रोग्राम का ही एक ये भी अंग हो जाएगा। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। उनको लगता था क्यों वो नहीं रखना चाहते थे मजदूरों को साथ, जबकि वो तो जन आंदोलन कर रहे थे, तो मजदूरों को नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो सोचते थे इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट। यदि मजदूर हमारे पास आ जाएंगे, मजदूर हमारे साथ होंगे, हम उनकी मांगों को लेकर के जोर देंगे, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे दूर हो जाएंगे, वो छोड़कर चले जाएंगे इस मूवमेंट को, और इससे क्या है कि एंटी इंपीरियल फोर्सेस जो है वो हमें और ज्यादा तोड़ने का प्रयास करेगी। इंपीरियल फोर्सेस जो है यानी कि जो कॉलोनियल लोग हैं वो अब हम लोग, उन लोगों की तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इनका भी आना जाना, उठना बैठना कोलोनियल मास्टर्स के साथ होता था, ब्रिटिशर्स के साथ होता था, जैसे इंडस्ट्रीज भी हैं तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो है वही सारा निर्णय लेती थी, और ये लोग क्या, इंडियंस क्या करते थे, केवल अपना पैसा लगाते थे, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, ये सब ये देने के लिए तैयार होते थे और वो सारा चीज मैनेज करते थे, तो इनका आना जाना, मिलना, उठना बैठना होता रहता था कोलोनियल लोगों से, तो जब भी कुछ बातें भी होती थी तो ये सब वहां बहुत अच्छे से उस चीजों को रखते थे और कनेक्शन बना रहता था। तो इनको लगने लगा, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, कि यदि हम लोग वर्कर्स के डिमांड को लेकर के चलेंगे तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है ये हमसे दूर हो जाएंगे और इससे फिर इनको एकजुट करने में मुश्किल होगी, और जो हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, मास मूवमेंट के लिए, या जो हम लोग ये सारे मूवमेंट्स को लॉन्च कर रहे हैं, ये कमजोर पड़ जाएगा और लोगों को एक सूत्र में बांधना कठिन हो जाएगा। Another important feature of the civil disobedience movement was a large-scale participation of women. इसको भी underline कर लेना बेटा। पहली बार महिलाएं जो थी सड़क पर उतर करके और इसने इस movement में हिस्सा लिया था। तो इसीलिए दिया गया। Another important feature of the civil disobedience movement was the large-scale participation of women. During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. हजारों की संख्या में जब गांधी जी दांडी मार्च के दौरान, तुम लोगों से चर्चा किया गया था इसके बारे में, वी हैव डिस्कस्ड इट दैट व्हेनेवर गांधी जी स्टॉप्ड इन द नाइट ही एड्रेस द पीपल। जब गांधी जी चलते थे तो 240 माइल थी ना दूर, साबरमती आश्रम से वो लोग पैदल गए दांडी कोस तक, तो जब भी चलते थे और रात के समय वो वहां पे रुक जाते थे और लोगों से बात करते थे, लोगों को एड्रेस करते थे, तो बहुत सारे लोग जो भी वहां के रहने वाले निवासी थे अपने अपने घरों से निकल करके आते थे, इनकी बातों को सुनते थे, तो उसमें महिलाएं भी रहती थी। तो वही चीज दिया गया है कि जब ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम,
उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं अपने अपने घरों से निकल करके आती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, और उन्होंने भी जितना भी विरोध प्रदर्शन था उसमें सारी जो भागीदारी निभाई, उन लोगों ने भी मार्च किया, विरोध यात्रा जो भी पद यात्रा ये लोग करते थे उसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, नमक भी बनाया, ये भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जहां जहां सहयोग करना था वहां वहां साथ साथ चली। एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स, और इन्होंने विदेशी कपड़ों का, शराब का भी बहिष्कार किया, उसको उसके लिए भी इन लोगों ने अपना योगदान दिया। मेनी वेंट टू जेल, बहुत सारी महिलाओं को जेल में भी डाल दिया गया। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, शहरी इलाकों में ये महिलाएं कहाँ से थी, उच्च जाति के वर्ग के लोगों से थी। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड, और ग्रामीण इलाके में ये महिलाएं कहाँ की होती थी, तो ये ज्यादातर जो रिच पीजेंट हाउस होल्ड होते थे, अमीर जमींदार होते थे जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, महिलाओं को घर पे कोई खास काम नहीं होता था, जो भी नौकर चाकर है या जो लोग भी हैं अदर्स वो काम कर रहे हैं, तो ये क्या करते थे, वो अपने घर को दूसरे लोग हैं ही देखने के लिए, तो वहां से इस कांग्रेस के भी पास आती थी, अपना सहयोग देती थी, और इसमें भी जो भी कार्यक्रम का जरूरत होता था, जहां प्रदर्शन होता था, जहां पिकेटिंग करना होता था, जहां पर धरना देना होता था, ये भी अपना सहयोग देती थी और अपने आप को इस मूवमेंट का एक हिस्सा बना के रखती थी। हाँ, लेकिन देखो बेटा एक चीज यहाँ ध्यान देना है, महिलाएं भले आ रही हो घर से और यहाँ काम कर रही हो या मूवमेंट में हिस्सा ले रही हो, लेकिन गांधी जी का क्या विचार था, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, व्हाट वाज द आइडिया अबाउट वुमेन। अब यहाँ पे देखो, दीज वुमेन फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन रूरल एरियाज, they came from rich peasant households, moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. Gandhi ji ke vaktavyon se prabhavit hokar unhe lagta tha ki mahilaon ka bhi ek pavitra kartavya hai ki wo apne rashtra ke liye kaam aaye, rashtra ke liye sahyog kare, lekin is cheez ko dekh lo, at this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं काम करने लगी या यहाँ पर जो मूवमेंट है उसमें साथ निभाने लगी तो इन लोगों को कोई विशेष स्थान दे दिया गया था, नहीं। गांधी जी was convinced that it was the duty of women to look after home and her. यहाँ गांधी जी का क्या कहना है, गांधी जी का ये कहना था कि ये महिला का प्रथम कर्तव्य है कि वो पहले अपने घर को देखे, अपने घर परिवार को देखें, संभालें, अच्छी माँ बने और अच्छी पत्नियां बने, मतलब पहले घर की जिम्मेदारी को देखें, घर की देखभाल करें, उसको पूरे सही तरीके से संजो करके रखें, उसके बाद यदि उनके पास समय है उसके बाद यदि वो सहयोग करना चाहें तो कांग्रेस से जुड़ सकती है और अपना सहयोग दे सकती है। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में किसी भी महिला को किसी विशेष पद पर स्थापित नहीं किया गया था। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, यहाँ क्या ये लोग चाहते थे, बस महिलाएं प्रेजेंट रहें, केवल सिंबॉलिक प्रेजेंस होना चाहिए कि हाँ पुरुष हैं, बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन उनको कोई खास विशेष दर्जा या विशेष किसी पद पर स्थापित नहीं किया गया। अब ये तो हो गया तुम्हारा कैसे कैसे लोगों ने इस मूवमेंट को देखा, हाउ द पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, दीज वेयर देयर आइडियाज, देयर आइडियोलॉजीज, देयर फीलिंग, हाउ टू सपोर्ट दिस मूवमेंट, व्हाट इज आवर ड्यूटी फॉर द नेशन। तो ये तो उनकी विचारधाराएं थी, अपने तरीके से इन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। अब इसकी क्या कमियां थी, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये भी सक्सेस नहीं हुआ, हम लोगों को पढ़ना है द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वी शैल स्टडी टुमारो, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव टुडे, ओके ओके स्टूडेंट्स, तुम लोगों को अनम्यूट कर दिया जाए ताकि तुम लोगों को जो पूछना है वो पूछो, है ना।